शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ये लोग किस चीज की निस्बत एक दूसरे से पूछते हैं? क्या उस बड़ी खबर की निस्बत जिसमें ये इख्तिलाफ कर रहे हैं? देखो ये अनकरीब जान लेंगे, फिर देखो ये अनकरीब जान लेंगे। क्या हमने जमीन को बिछोना नहीं बनाया और पहाड़ों को उसकी मेखे नहीं ठहराया? और हमने तुमको जोड़ा जोड़ा पैदा किया और नींद को तुम्हारे लिए मूजिबे आराम बनाया और रात को पर्दा मुकर्रर किया और दिन को माश का वक्त करार दिया और तुम्हारे ऊपर 7 मजबूत आसमान बनाए और आफताब का रोशन चराग बनाया और नुचड़ते बादलों से मूसलाधार में बरसाया ताकि हम उससे अनाज और नबातात पैदा करें और घने घने बाग। बेशक फैसले का दिन मुकर्रर है, जिस दिन सूर फूंका जाएगा तो तुम लोग फौज दर फौज आ मौजूद होगे और आसमान खोला जाएगा तो उसमें दरवाजे हो जाएंगे और पहाड़ चलाए जाएंगे तो वो रेत होकर रह जाएंगे। बेशक दोजख घात में है, यानी सरकशों के लिए कि उनका वही ठिकाना है, इसमें वो सदियों पड़े रहेंगे। वहां न ठंडक का मजा चखेंगे न कुछ पीना नसीब होगा मगर खौलता पानी और बदबूदार पीप। ये बदला है उनके आमाल के मुआफिक। ये लोग हिसाब आखिरत की उम्मीद ही नहीं रखते थे और हमारी आयतों को मुसलसल झुटलाते रहते थे और हमने हर चीज को लिख कर महफूज कर रखा है। सो अब मजा चखो, हम तुम पर अजाब ही बढ़ाते जाएंगे। बेशक परहेजगारों के लिए कामयाबी का घर है, यानी बाग और अंगूर और हम उम्र भरपूर जवान औरतें और शराब के छलकते हुए जाम। वहां वो न बेहुदा बात सुनेंगे न झुटलाने की बातें। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम, ये तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से सिला होगा जो हिसाब के मुताबिक इनाम होगा। वो परवरदिगार कि जो कुछ आसमानों और जमीन में और जो इन दोनों के दरमियान है सबका मालिक है, बड़ा मेहरबान है, किसी को उससे बात करने का यारा ना होगा। जिस दिन जिब्रील अमीन और दूसरे फरिश्ते सफ बांध कर खड़े होंगे तो कोई बोल न सकेगा मगर जिसको रहमान इजाजत